हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी माय स्पेसेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। हॉलीवुड का मॉक मैंने सुबह अपलोड कर दिया, उसकी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं चेक कर दी। मैंने एक्स माइनस वन में एक्स के इज़ इक्वल टू थ्री जिसमें दिया था वो मैंने सिलेबस चेक कर दी, वरना ऑलमोस्ट मतलब उसमें 50 आउट ऑफ 50 होने चाहिए थे मैथ्स में। इंग्लिश में उसमें मैंने गलतियाँ करी थी काफ़ी ज़्यादा, और रीजनिंग में भी थोड़े से दो तीन क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए थे। ठीक है, तो एक और चीज़ क्या है कि उस मॉक में या फिर किसी भी मॉक में कि आप लोग डिमोटिवेट मत फील किया करो कि अगर आपके 140 आ रहे, 130 आ रहे हैं अभी मॉक्स में, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा या होगा, ऐसा मत सोचा करो। एग्ज़ाम क्लियर डेफिनेटली होगा अगर आपके 130 प्लस आ रहे हैं ऑलरेडी, यू आर प्रिपेयरिंग वेल। ओके, अभी शुरू करते हैं, और वैसे भी प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। ओके, क्या हुआ भैया? कहाँ गए? चलिए अभी मॉक शुरू करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, 5, 6, 4 और 1 में से कौन सा आएगा? अनडन और अन डी 4 ही आएगा, फिर 3 और 2 में से अनईजनेस और ई एफ 3 आएगा सबसे पहले, फिर 2 और 1 में से अनफेमिलियर आई पहले आएगा, 1। 5, 6, 4, 3, 1, 2। क्वाइटेस क्वाडिटेस 30। ओके, 5, 1, 30, 3 और 4, 7, 6, 42, 3 और 3, 6 और 4, 10, 6, 60। सो 100 एक से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2, 2.5, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 75 थी 225, 7 21, 5 15। अब कुछ को लग रहा होगा कि बिना पेन के कर रहा है तो पहले से देख के आया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हॉलीवुड वाले में भी कह रहे कि भैया आप पहले मतलब एक बार दे देते हो और फिर दोबारा अटेम्प्ट करते हो इसलिए फुलाते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्नेक्स रेप्टाइल्स और मैमल्स। ओके, एक्चुअली ये सारी बातें होती हैं आप कितना काम रहते हो मॉक टेस्ट देते हुए, इसलिए मे भी लगता हो सबको। और रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक्स आएगा, मैमल्स अलग आएंगे। बोटल्स कोडिडेस 2 और 15 17 और 5 22 और 12, 34 और 40, 34 40 74, 74 दूनी 100, 148। ठीक है, तो 2 और 21 23 और 13, 36 और 36 5 41 और 16 57 और 8 65 75 दूनी 150। इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर रिलेटेड? फर्स्ट डे संडे, लास्ट डे, अच्छा लीप ईयर नहीं है तो लास्ट डे और फर्स्ट डे बोला है, तो लास्ट डे और सेम होंगे, क्योंकि अगर 1 जैन 2025 को संडे है, ठीक है, तो 1 जैन 2026 को मंडे होगा, तो लास्ट डे कितना होगा? दोबारा से संडे हो जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फ्रेम इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन द लेटर्स इन विच सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन विच सेकंड फ्रॉम द राइट? FREMED ADE F और M और R। ओके, अरेंज अल्फाबेट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट? D और M के बीच में कितने? 4 और 13 के बीच में 9 लेटर है। के बी बी एफ के बी बी सी ई बी एफ एफ के बी बी सी ई
एफ के बी बी सी ई एफ के बी बी सी ई बी एफ बी ई बी एफ पी ई सी के ई अल्फाबेट्स ठीक है, विच इज फेस इज अपोजिट टू एक्स, एक्स के फेस तो किसी से नहीं मिलेगा, एक्स जेड एच एक्स आई जे, एक्स के फेस जानवी कपूर से मिल सकते हैं। अपोजिट एक्स के अपोजिट क्या है इसमें, एच जेड जेड नहीं है, जेड जे और वाई बचा हुआ, एक वाई हो सकता है ठीक है। ई वाई यू ओ के 5 22 उल्टा चल रहा है शायद, 11 5 16 5 21 5 26 5 31 ओके, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, एक और 5 6 एफ। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस ओके, 19 में 118 144 माइनस 10 और माइनस 4 18 और 8 144 माइनस 4 16 8 128 10 में 2 नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 19 में 171 माइनस में 31 ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ देते हैं। देयर सिक्स सिक्स मेंबर्स इन अ फैमिली, टी इज अ ब्रदर ऑफ पीस हैज बीन, टी इज अ ब्रदर ऑफ पीस हैज बीन, पी का हैज बीन एरा, यू इज अ मदर ऑफ टी एंड क्यू इज अ डॉटर ऑफ एस एंड पी, द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, इसका फादर है ये। सर्कल आ जाएंगे ये दोनों, ये रहा ठीक है, जे के एल 10 से 11 तो 13 एम आएगा, 3 16 4 20 ओके, एक्स वाई एक्स और ए के वाई और 2 25 2 27 ए आएगा, 1 और 3 4 है, चल रही है वीडियो तो आ जा बैठ जा। इन अ सेट इन को लैंग्वेज पॉइंट इज कोडेड एज दिस, 16 15 9 14 और 20, एक सेकेंड रुक जाओ यार, प्रो एम्बर 78 इन अ सर्टेन को लैंग्वेज पॉइंट इज कोडेड एज दिस ओके, गेस होगा 5 10 और 1 समझ नहीं आ रहा, स्किप करते हैं अभी। थ्री ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट क्लस्टर इन अ सर्टेन वे वन इज डिफरेंट ओके, एक एक सेकंड रुक जाओ यार, बार बार फोन में कुछ आ रहा है, पी बी जी एल 12 और 4 16 7 4 11 11 और 23 4 27 ये अलग है ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैसेज कर रहा हूँ किसी को, फोर्थ नंबर, द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर,
अच्छा ओके, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 9 5 45 और दो, 18 5 90 दो, और 14 5 70 और दो। बीच बीच में फोन यूज कर रहा था उसके लिए, सॉरी। बस अब और नहीं करूंगा। सात, सात के बाद है बी। ओके या फाइंड ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, टिन, स्टील, एल्यूमिनियम और जिंक। जिंक, जिंक अलग है। मेटल, मेटल तो वैसे सारे हैं, बस मैं तो ये सोच के लगाया बर्तन है, सारे बर्तन बनते हैं। प्लस माइनस 180, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड बाय 60, 3 हो गए। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, 3 गुना 33, 99। डिवाइड मीन्स प्लस 100, और प्लस मीन्स माइनस 50, 50 बच जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ओके येरा, फ्रॉम हिज ऑफिस संजय वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट। संजय है 12 किलोमीटर स्ट्रेट, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंड 8 किलोमीटर। अरे तो उल्टा है, चलो बाद में कर देंगे, नोट्स मांग के चलते हैं। संजय वॉज 12 किलोमीटर स्ट्रेट, ठीक है। ये स्ट्रेट तो नहीं है मेरा, ये रहा स्ट्रेट। फ्रॉम हिज ऑफिस 12 किलोमीटर स्ट्रेट गया, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंड कवर्ड 8 किलोमीटर। 45 डिग्री कहाँ की तरफ, ये भी नहीं बताया, राइट की तरफ ही होगा। अगर ये 45 डिग्री गया, यहाँ पे 8 किलोमीटर चला उससे, ठीक है। देन फ्रॉम हियर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, ठीक है। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड कवर 11 किलोमीटर, ये यहाँ पे आएगा 11 किलोमीटर। इफ़ ही वॉज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एट लास्ट, तो इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। नॉर्थ में चला था भाई, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट ही है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं बाद में करूँगा, दिमाग ख़राब होता है इसमें। ऑल अंकल्स आर रिलेटिव्स, ऑल अंकल्स आर रिलेटिव्स, सम रिलेटिव्स आर नेबर्स, और ऑल नेबर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। सम नेबर्स आर अंकल्स, सम नेबर्स आर अंकल्स, गलत है। सम अंकल्स आर एम्प्लॉयड, सम अंकल्स आर एम्प्लॉयड, ये भी गलत है। सम रिलेटिव्स आर एम्प्लॉयड, सम रिलेटिव आर एम्प्लॉयड, ये सही है, ठीक है। ओनली थर्ड, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, ओके 4 से डिवाइड होगा नहीं। बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, 113, ये नहीं होगा। एक तो ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ये देखते हैं। 113 बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस 62 डिवाइड बाय 2, और डी स्टैंड्स फॉर -7, ठीक है। 13 चौक 52, 452 प्लस में 31 में था 24, ये नहीं है। लास्ट में माइनस आता तो यहाँ पे हो जाता। डी 62 A 2 C का मतलब क्या है, प्लस डी स्टैंड फॉर माइनस है यहाँ पे। हाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। 113 × A का मतलब क्या है, डिवाइड से नहीं हो सकता, हो सकता है 113 A मीन्स डिवीजन नहीं होगा, ये बी मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4, डी मीन्स -62, ए मीन्स डिवाइड बाय 2, सी मीन्स +7, ठीक है। 452 माइनस में 31 है ना, और ये प्लस में 7, तो माइनस में 24, ये आ गया सही, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्या कर देते हैं अभी, ये यहाँ पे क्या परसेंटेज, यहाँ पे 6 राइट में जाएगा कॉर्नर में, तीन ऑप्शन में, इसमें नहीं, 0 बीच में, 6 9 बीच में, सिंपल है वैसे, डॉलर बीच में आ जाएगा हमारे पास, तो ये भी नहीं है। देन ये और क्या, 6 यहाँ पे, डॉलर कहाँ गया, ये यहाँ पे परसेंटेज लेफ्ट में चला जाएगा, ये रहा, ये वाला बेसिक ही था। दो क्वेश्चन रह गए, एक ये और ये, ओके। 16 15 9 14 20, 16 15 31 40 और 34,
को 11 कैसे लिख सकते हैं, 7 4 11, ठीक है, 7 और 18 25 1 26 और 14 40 और 4 44 19 44 20 54 64 9 73 83 8 और 3 11, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 23 और 18 31 41 और 9 50 और 20 70 5 75 7 5 12, ठीक है, बेसिक था ये क्वेश्चन। कैसे होगा 19 7 133 + 7 17 7 119 प्लस में 11 47 3 7 21 3 6 12 और 2 16 ज़्यादा हो गया था, 28 6 84 19 और 9 28 5 140 17 और 9 26 5 130 हो गया, तो डिवाइड बाई 24 कर दो यहाँ पे, यहाँ पे 19 और 5 24 5 120 खत्म। अब मैं रीजनिंग में पूरे आने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। पी सैलरी 20% लेस देन क्यू सैलरी विच, ओके पी क्यू आर, पी सैलरी 20% लेस देन क्यू सैलरी 5 से 4, विच इज 20% लेस देन आर सैलरी, इसकी भी 5 से 4, अच्छा ओके, 4 6 16 4 5 20 5 5 25, बाय हाउ मच परसेंटेज परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी, 9/16 इंटू में 100, 9/16 कितना होता है हमारे पास, याद नहीं है मुझे, 4 6 16 4 25 225 डिवाइड बाई 4 4 5 20 4 6 24 4 3 8 4 5 20 56.25%। वट इज द वैल्यू ऑफ दिस, के 45/20 माइनस में 10/20 इंटू 15/6, मतलब 15 6, एक पहले ही सोल्व कर लेता हूँ उसको, 9 6 36 1/4 -1/5 5 1/20, अगर ये 1/20 है और इसमें से माइनस करना है तो 19/20, कुछ गड़बड़ करी मैंने, ये कितना था हमारे पास, 1/20 15/6 -1/20 यहाँ तक था ना हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये, 3 6 3 5 15 5 6 50 1/20 49/20, ठीक है, ये 49/20 आ गया इंटू 5/10, तो 5 × 10 49/40 और 90/40 -49/40 कितना आ जाएगा, 41/40, ध्यान से करा करो ये। थ्री स्मॉल सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर मेल्टेड टुगेदर इन रिकास्ट इन अ बिग सॉलिड स्फेयर, व्हाट इज द परसेंटेज डिविनम परसेंटेज, ओके तीन सॉलिड है, एक बिगर सॉलिड में गया, 216 और 512, 1 2 3 हज़ार, 1000 और 1500 1700 28, तो बड़े की रेडियस कितनी है, 12, 12 का क्यूब है, ठीक है, बड़ी एक इसकी रेडियस आ गई R12। वट इज द परसेंटेज क्या लिखा है, डिमिन्यूशन ऑफ द सर्फेस एरिया कम्पेयर टू द सम ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द थ्री सर्फेस, इसका सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा, स्पेयर है 4π R² R² से डायरेक्टली कंपेयर कर लो, 144 है पहले का और बाद में कितना हो गया, 36 64 और 100, तो 200 से 144 हो गया, कितना कम हो गया, 56/2 28%। ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 10 10 डेज, बी एंड सी 12 में, सी एंड ए 15 में कर रहे हैं, 60 हेल्थी में है, 6 5 4 6 5 11 और 4 15 7.5 आ गए वो तीनों की, ए बी सी की, ए बी सी की, देन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, 30/1 में 7.5 करेंगे हम, तो 7 6 28 4 दिन में हो जाएगा। और शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट, ओके फाइंड द स्कीम विच हैज मैक्सिमम डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 20%, 5 से 4 10 से 9, तो 50 से 36 72 28% डिस्काउंट है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड में डिस्काउंट ऑफ 30% है, सेकंड में बाय 8 गेट 4 फ्री, तो यहाँ पे कितने गए, 4/12 4/12 का डिस्काउंट है, 1/3 1/3 33.33% का डिस्काउंट है यहाँ पे, 6/15 3 6 3 5 15 20 40% का यहाँ डिस्काउंट है, विच हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट, फोर्थ ऑप्शन में,
What is the radius of the circle which circumscribe the triangle whose radius whose sides are this? 8, 15, 17. ओके राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके रेडियस निकालनी है. इन रेडियस कितनी होगी इसकी, डायरेक्टली लिख लो इसकी. आर इज इक्वल टू ए प्लस, कैसे होती थी आर इसकी, ए बी इंटू ए बी अपन में सी भी होती थी शायद, 16 इंटू 30 अपन में 34. नहीं, या फिर एक और फॉर्मूला होता था, ए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपन में 2. देखते हैं, ए प्लस बी 16 और 30, 46 माइनस 34. यस, डायरेक्टली इसका आधा ही होता है यार, ये राइट एंगल है तो 17 हो गया यार, इतना टाइम वेस्ट कर दिया. एक्स इज द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई दिस रिमाइंडर दिस. 19 15 का डिफरेंस है यहाँ पे, और इधर 15 का डिफरेंस है, इधर 15 का. अगर डिफरेंस सेम आता तो इनका डायरेक्टली वो निकाल लो, ठीक है. लीस्ट नंबर है तो एलसीएम निकाल के माइनस कर दो इसको, 4 डिफरेंस इनका, ठीक है. तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 दुनी 19 से ही करना पड़ेगा पहले तो. 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 100, और 19 से करोगे तो 1900, ठीक है. अब 1900 इनका एलसीएम आ गया. अब ये इनका डिफरेंस कितना है, 5 5 5, तो माइनस में 5 कर दो, ठीक है. तो इनका एलसीएम लीस्ट नंबर कौन सा जाएगा इसमें, 1895. एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स एक्स माइनस वाई क्यूब, इसका इनका एलसीएम कितना जाएगा, 8 8 ही आएगा, 8 से तो ज़्यादा आएगा नहीं. 8 का क्यूब करना है 512, 3 8 1383 है. गड़बड़ करी मैंने कुछ, क्या गड़बड़ करी है, एचसीएफ तो यही आएगा, 8 का क्यूब 3 8 और 13, और यहाँ पे प्लस होगा क्या कुछ, 1900 माइनस 5 1895 ही तो होगा. अगर ये 1905 कर दो मैं इसको, तो 512 माइनस करो तो 3 10 में से 1 गया, 9 18 में से 5 गया, 1393 1383 आना चाहिए, ये होगा सही. 73 का ऑप्शन में कर देते हैं. एक्स प्लस वाई इज दिस, एक्स माइनस वाई इज दिस. एक्स वाई तो हमें निकालना पड़ेगा, एक्स वाई कितना हो जाएगा, √143 11 13, √143. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 3 33, और 11 × 11 = 14. तो एक्चुअली एक्स वाई कहाँ से आ जाएगा, एक्स वाई तो निकालना पड़ेगा. एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर 13, इसका होल स्क्वायर 11 डिवाइड बाय 4, ठीक है. तो 1/2 आ गया एक्स वाई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली. नहीं, इसका स्क्वायर से भी नहीं आएगा वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा दोनों का स्क्वायर प्लस करके, 13 और 11 24, और एक्स वाई कितना है, 1/2. ये 1/4 तो नहीं है, छः आना चाहिए क्या आंसर, देखते हैं अभी, इसे बाद में देखता हूँ. फ्रॉम द डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर्स, ओके 400 500 एंड फर्स्ट ईयर्स एंड इन द लास्ट 3 ईयर्स, 300 600 700 200. वट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5√3 cos 60 sin 30 1/2 tan 30 1/√3 -3 प्लस में 3 प्लस में 2 sin² 60 2 इंटू में 3/4 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 5 1 और -3 -2 है, दे 3 यहाँ पे भी है, इसको उड़ा दो यहाँ से, ठीक है. 5/2 और प्लस में 3/2 8/2 4 है. पाँच अपन में 2 प्लस में 3/2. अब क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, शिट यार, या इनके ऑप्शन गड़बड़ हैं क्या सारे. 5√3 cos 60 sin 30 1/2 tan 30 1/√3 -3 प्लस में 3. अच्छा, cos ये 3/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है.
प्लस में 2 3, ये 3/2 यहाँ पे भी है, तो 3/2 3/2 यहाँ से कट गए, और रूट 3 5/2 2 आ जाएगा आंसर। आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स इन क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स एवरेज स्कोर ऑफ द होल, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर 2/5 से 7, ठीक है, बॉयज गर्ल्स रेशियो नंबर, देयर एवरेज स्कोर ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इज 63, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज 30% मोर देन द टॉप बॉयज, गर्ल्स के ज़्यादा है 3/10 से 13, ये एवरेज है, ठीक है। तो इनकी एवरेज कितनी निकल जाएगी, सम कितना होगा 70 13 5 65, 70 60 130 135 65 35 70 60 130 135 डिवाइड बाई 7 5 12, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 63, ठीक है। 7 1 किससे जाएगा, अभी किसी से कट ही नहीं रहा है, 5 7 6 13, हमें क्या किसकी वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, 13 की वैल्यू बतानी है हमें, 63 × 12 / 135 × 13, कितना गंदा क्वेश्चन है, किसी से कट भी नहीं रहे, तो 5 10 27 से जाएगा ये, तो 9 से चल जाएगा, 9 1 9 9 5 45, 9 7 63, 3 5 15, 3 6 12, 7 6 28, 3 8 84, 28 28 36 डिवाइड बाई 5 6 5 7 35, 5 2 10, 5 8 40, 72.8। 9 की पावर x, सो z इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ओके। तो कैसे हो सकता है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 75 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 9 75 और 5 का 75, और इसका तो हो गया 75, ठीक है, इसमें 3 1 बार आ गया, 225 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 9 की पावर कितनी होगी, 9 x 5 y = 75 z, कुछ मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बाद में करेंगे। अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस विदाउट एन स्टॉपेज व्हाइल रिटेनिंग द सेम जर्नी, ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ दिस विद द स्टॉपेज, ओके, विदाउट और विद, स्पीड का रेशियो कितना 120 80, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, टाइम का रेशियो आ जाएगा 40 2 40 दिया, तो 3 घंटे में वो 1 घंटा रुक रही है, क्या बताना है हमें, व्हाट इज द एवरेज स्टॉपेज पर आवर, ठीक है, 3 घंटे में 60 मिनट रुक रही है, तो 1 घंटे में कितनी बार रुकेगी, 3 से डिवाइड कर दो, 20 मिनट रुकेगी। एक्स प्लस वाई का क्यूब, ओके, इसको लो दस, हमें इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें खोल के ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस, इसको ए और बी मान लो अलग अलग, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी 3x प्लस में वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस में वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ab एक्स प्लस 2y और 2x माइनस y, ठीक है, 3x प्लस y और 3x प्लस y का होल स्क्वायर, खोल ही लो इसको, 3 3 9 x² प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3 2 6 xy माइनस में इससे मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 2x² माइनस में xy प्लस में 2xy माइनस में 2y², ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, ये कट गया, एक्स वाई बचेगा इधर 2 3 6 x² और कितना बचा था, माइनस का प्लस का एक्स वाई था ना, तो माइनस का आ जाएगा बाहर, माइनस में 3 2 -3 xy और ये माइनस का तो प्लस 3 2 6 y², ठीक है, 3x प्लस 5 अंदर क्या बचेगा, 9 - 6 3x² प्लस में 6 और 1 7 y² प्लस में 3xy, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, 3a, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 3 3 9, इधर लिख लेता हूँ, 3 3 9 माइनस में बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 और 3xy, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, 9 7 16 और 3 19
ये सोच सकते हैं। थ्री ए, अच्छा 3A था यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 है, 3 और 7 10 3 13, 3 7 10 3 13, और गड़बड़ कहाँ हो रही है। 9x² प्लस में y² प्लस में 6xy, ठीक है, 2x² माइनस में xy प्लस में 4xy था यहाँ पे, तो ये 3xy बचेगा। अगर ये 3xy था, 3 या 9xy यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 9xy है तो यहाँ पे 9xy ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 या 9 माइनस में 7 माइनस में माइनस था ना, माइनस सी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है। डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, 3 7 10 माइनस 1 9, 9 और 9 18 माइनस 7, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, माइनस में और यहाँ पे कितना, 2y² 6y² हो जाएगा। अच्छा ये माइनस का, यहाँ पे 3xy बचेगा यार, माइनस का 3xy हो गया, 3 या 9 माइनस में 7 प्लस में 3 डिवाइड बाय 3 7 10 माइनस 3 7, अब हो गया 9 3 12 5 6 7। इतनी गड़बड़ करने के बाद आए 3.5 मिनट वेस्ट कर दिया। वो फाइनल रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड डी, परसेंटेज ऑफ इनरोल स्टूडेंट्स ऑप्टेड रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल है, परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परसेंटेज है यहाँ पे, बी और डी के निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। 36% 36, तो 144 टोटल है यहाँ पे, और डी के निकालने में 18 8 144, ठीक है। 5 और 7 12, 1 की वैल्यू 12 है, हमें क्या बतानी है, फीमेल्स बतानी है दोनों में, तो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल है, तो 12 7 84 यहाँ पे, ठीक है, और 12 नीम 108 यहाँ पे, 28 12 7 84 12 नीम 108 7 9, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी डायमीटर ऑफ द सर्कल्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, को डी एफ इंटरसेक्ट ए बी एट ई एंड डी ई इज इक्वल टू 6, ई एफ इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाले। रेशियो सेम हो सकता है बस, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये आर है। अब ई बी और ओ ई में हमें कुछ भी नहीं बताना, निकल भी जाता फिर ये 24 पाई तुक्का मार सकता हूँ मैं अभी, 12 अगर कुछ आएगा तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी डिस्टेंस एक्स मीटर एंड एक्स प्लस 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज आवर हाउ हाइट 6 मीटर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक्स मीटर एक्स प्लस 5 मीटर 6 मीटर हाइट, लाइन आर इन द कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए और बी, 10a × 10b इज गुड 1, 10a कितना है 6x और 6x2x, और ये x प्लस 5 तो पूरा है ना यहाँ पे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 36 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, 9 चौक 36, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, हमसे क्या पूछा, अंडर वैल्यू ऑफ x। लेट एक्स बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सो दैट द फैक्टर ऑफ दिस
तो एक्स की पावर कितनी है? 1/2। सच दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर इसका क्यूब रूट निकालो, क्यूब हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है। इफ वाई इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन व्हाट विल द, क्या बकवास हो रहा है। इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अभी छोड़ ही देता हूँ इसे भी। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? कोस थीटा कॉमन ले लो यहाँ से, तो इन दोनों को प्लस करो कितना जाएगा? 2 sec थीटा। नीचे कितना है? sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 square थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा? कोस थीटा, कोस थीटा sec थीटा 1, 2/10 square थीटा इज इक्वल टू 2 cot square थीटा। 45% प्रॉफिट इज मेड व्हेन द डिस्काउंट ऑफ 45% इज गिवन इन द मार्केट प्राइस ऑफ आइटम। इफ द डिस्काउंट ऑफ ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आइटम इज 50% देन व्हाट इज द प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट इतना है, ठीक है, 55% है एस पी, तो अगर डिस्काउंट इतना है तो एस पी 55% है, तो 55% पे कितना? 45% प्रॉफिट हो रहा है अगर ऐसे मान के चलूँ मैं, तो 50% अगर डिस्काउंट है तो कितना परसेंट होगा? 5, 11, 5, 11:10 है। ठीक है, तो इनका भी 11:10 होना चाहिए। 11 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 45/11, 450/11, 11, 11 से 33, और 11 से 44। ये तो है नहीं, गलत हो गया, बेसिक से कर लेते हैं। पी एस पी एम पी प्रॉफिट 9/20 से 29, और डिस्काउंट इस 45 20 से, 9/20 था ना, 20 से 11, 11 दूनी 22, 220, 11 दूनी 99, 11 दूनी 22 और 31, 29 दूनी 58, 8580। अगर डिस्काउंट देता है 50% पे, तो इसका कितने पे बेचे गए? 290 पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 70/7/22 × 100। ठीक है, 350/11, 11 से 33, 11 × 11, 11 × 88, 31 सहित कितना? 11 से 33, और कितना बचा? 2 11 × 11, 9/11, 31 सहित 9/11। इन एंगल इन अ गिवन डायग्राम ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, बी सी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 6, एरिया ऑफ ए डी ई 90 cm², ए डी ई इसका स्क्वायर कितना है? 36। 36 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी? 64 की वैल्यू पूछी हमसे। किससे जाएगा ये? 4 × 36, 4 16, 9:16 है, तो यहाँ पे भी 9:16 ही रहेगा। ठीक है, 10 160। ये मैंने मेथड अभी पिछले मॉक से ही निकाला, अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने लग गया मैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर सविता। रहीम सविता 5 टाइम्स, 7 इयर्स, 7 इयर्स फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। 5x+7/x+7=3/1। ठीक है, 5x+7=3x-2x, यहाँ पे बचा 3 7 21 -7 14, एक्स की वैल्यू कितनी? 7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम? 7 5 35। एल एन एम कैन फिल अ टैंक इन दिस। एल कितने में भर रहा है? 3/2। एम भर रहा है 8 1 9/4 में, वो थार ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर 1/2 आवर्स। पहले एल सी एम ले लो, इनका 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 9 6 4, 3 आ जाता है एल सी एम में से, तो शायद नहीं, इतना ही रहने दो इसे। बोथ आर, बोथ पाइप आर ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर 1/2 आवर्स। ठीक है, 6 7 10 5 भर गया आधे घंटे में। पाइप एम इज स्टॉप वर्किंग हाउ मेनी टाइम्स विल एल, कितना टाइम लगेगा? 4 और बचा, एल के ऑप्शन 4 है, तो 1 घंटा और लेगा वो। तो फिल द बैलेंस टैंक अलोन। गड़बड़ क्या हो रही है? नौ बटे चार और 3/2 आवर्स में भर रहे हैं। ठीक है, 3 3 6 और ये 4, इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर हाफ आवर। 6 और 4 10,
टू एंड हाफ इट्स कॉल्ड, 5 भर चुके हैं। एम इज स्टॉप, अच्छा एम इज स्टॉप था, ओके उल्टा लिख रहा था। 5 बच भर दिया, 4 बचा। अब एल ओपन है ना, 6 × 60 10 × 40 मिनट में भर देगा। रीजनिंग में हो गए सारे, मैथ्स में 4, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रह रहे हैं अभी, इंग्लिश के बाद ही करेंगे अब। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज ही वॉज वर्किंग इन इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 ईयर्स। ही हैज बीन वर्किंग बाय द टाइम यू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हैड बीन पास्ड। क्या है बताना है इसमें? कम्प्लीट द प्रोजेक्ट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हैड पास्ड। विल हैव यू पास जाएगा। रमेश गड़बड़ी लग रही है, मतलब गलत ही होगा। रमेश बिल्ट अ वॉल टू अवॉइड सॉइल बींग वॉश अवे, सॉइल बींग बींग वॉश्ड अवे आएगा। पीपल हु लिव इन, देखो फोर्थ ऑप्शन था ना, ये वाला मार्क लगा देता हूँ। पीपल हु लिव इन डेजर्ट इन द लिव इन द डेजर्ट मस्ट लव हॉट वेदर। डेजर्ट ही आएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट नन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द जनरेशन इज, ये वो जो भी है। रश्मिका इज सो लेजी दैट शी कैन लिव ऑन द बेड 4 आवर्स डूइंग नथिंग। शी कैन लिव ऑन बेड, इन बेड होना चाहिए वैसे तो। चिकन लाई ऑन बेड आएगा। द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनल्ड्स ऑफन ब्रेक्स डाउन। इन द फर्स्ट हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज सिंस द ओस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड कंसर्न्स इन इंडिया ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटी स्पेशली हिंदूज इन द बांग्लादेश मोहम्मद यूनस हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम की स्पेलिंग बतानी है क्या इसमें? इंटरिम गवर्नमेंट इन ढाका कॉल्ड अप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे, ही अज्यूम्ड हिम दैट द इंटरिम, दी भी हुई यहाँ पर स्पेलिंग इंटरिम, मैंने सही तो करी है ना पिछले में इंटरिम। हाँ दिस हिम द इंटरिम गवर्नमेंट वुड प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज एंड ऑल माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन द बांग्लादेश। दिस इज सिग्निफिकेंट गिवन दैट एवर सिंस August 5 वेन हसीना फ्ली अवे हसीना फ्ली टू इंडिया एंड वायलेंस स्वेप्ट बांग्लादेश। वॉस फ्लैट ही आएगा शायद। बांग्लादेश मोदी हैज एक्सप्रेस कंसर्न इन ट्वाइस इन पब्लिक अबाउट द सिचुएशन ऑफ हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज देयर ऑन August 8 वाइल ग्रीटिंग यूनस ऑन टेकिंग चार्जेस ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड ऑन थर्सडे व्हेन ही एड्रेस द नेशन फ्रॉम From basement of the from gate of the Red Fort on Independence Day Rampart क्या होता है पता नहीं, यही होगा। LEIUTLELI नहीं होता लेफ्टिनेंट में, LEIUTE नेंट NENT होता होगा शायद। Appearances can often be deceptive. Synonym बताना है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा synonym बताना है, सॉरी fraudulent।
एक्सपेंच करना, एक्सपेंच मतलब क्लियर होता है शायद, प्लेसिड क्लियर होता है, डिप्रेस्ड क्वेल इंसर्ट। यही होगा शायद, ये भी गलत हो सकता है। काउच पोटैटो, लेजी पर्सन, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। मैनी किड्स सफर फ्रॉम एक्ने एंड एंग्स्ट। एक्ने एंड एंग्स्ट कंपोजर, डिलीजेंस, प्रॉबिटी। प्रॉबिटी हो सकता है ये कंपोजर्स। अच्छा, इसका अपोजिट बताना है, डिलीजेंस होगा ये शायद, ये भी गलत हो सकता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, आर्किपेलागो। द कैंडिडेट्स अपोनेंट्स आर बिजी लुकिंग फॉर चिंक्स इन हिज आर्मर। एन ओल्ड फैशन एंड यूजलेस वेपन। नहीं, चांस टू इंटरप्ट समवन, अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। यही हो सकता है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, गैरुलस, एलोक्यूशन। ये होगा। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी इन द पुलिस, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। दी पुलिस है ना। मोहन स्लिप वाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ ट्रेन, ही सेड दैट। मोहन नरेशन बताने, मोहन हैड स्लिप्ड। ओके, जीके करते हैं थोड़ी सी, 3 मिनट। वर्ड द सेक्स रेशियो इंडिया एज पर द सेंसस, 947, 43, 43 है, 47 है, 943 होगा शायद। इंडिया एज वेल वाइस ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग अबोलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल एज वाइस रो। अबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी 1935 कर देते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द सिक्स रवींद्रनाथ टैगोर ट्रॉफी। टी एंड कॉफी फॉर लर्नर्स, विच इन द कैटेगरी, प्लांटेशन। राइटिंग द जनरल यंग इंडियन आई, हु सेड आई कुड नॉट पॉसिबली हेयर द आइडिया ऑफ द मैन हु हैज गॉट द वेल्थ इन शो बट हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ, इट इज शुड हैव नो वॉट फॉर द क्राइम ऑफ बींग पुअर मैन। करेक्टर बट नो वेल्थ, लिटर शुड हैव नो वोट। ये हो सकता है राजेंद्र प्रसाद होगा। हाउ मेनी डेज पोंगल सेलिब्रेटेड, 6 दिन के लिए होता है शायद। प्लांट सेल आर कंपोज ऑफ सेल्यूलोस। विच नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमोसफेयर, जिनोन, रेडोन। Who was the youngest young economist involved in the drafting the plan? इसमें सब सबसे यंग कौन सा था, आप कैसे बताऊँ? स्वर्ण सिंह, केएन राज हो गए। यंगेस्ट होने बोले इन्होंने, यंग ही बोला है। ये कर देता हूँ तुक्का। विच कंट्री क्लीन द एशिया कप 2023? एशिया कप इंडिया जीती, ठीक है, मेरे को याद भी नहीं है। तो या श्रीलंका जीती थी,
इंडिया पे लगा देते हैं। विच स्टेट आर द शेवरी माउंटेन्स लोकेटेड? नहीं पता। जनरेटर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक करता है। आउट ऑफ 10 डिजिट यूपीसी बारकोड पैटर्न द फर्स्ट 5 डिजिट्स आर? कलर नहीं है, लोकेशन प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरर सप्लाई होगा। द विष्णु गॉडेस कपिलेश्वर टेम्पल? नहीं पता। कपिलेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड विष्णु जी को कर देते हैं। हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? एडवर्ड जेनर। सारी अपनी जी के डालते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेरी क्राइम्स और मंत्रास इज कॉल्ड संहिता। गोल्ड स्मिथ यूजेस एक्वा रेजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। नहीं पता। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द फूड सिक्योरिटी स्कीम राजस्थान? अटल अश्री अन्नपूर्णा स्वामी विवेकानंद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट? 300 A में होंगे शायद। विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? वेम्बनाड लेक। इन विच ईयर द संथली एडेड? 2000 में हुई थी शायद। इन विच ईयर वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? 1756, 1761 में। पानीपत की थर्ड बैटल कब हुई थी? 1576 में ही हुई होगी या 1761, 1761 ही याद है। प्रोजेक्ट राइनो वॉज स्टार्टेड इन विच गैलेक्सी नियरेस्ट मिल्की वे? एंड्रोमेडा। हु ऑथर द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री? नहीं पता। क्वांट्स के अब 9 मिनट बचे हैं मेरे पास। नौ मिनट में कौन से क्वेश्चन करें? ये वाला कर लूं? ये वाला क्या कहता है? इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिल्क वाटर 2:1। टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क इन इट। ओके। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज वी, हाउ मच प्योर 90% मिल्क है? 9:10। तो 10, सॉरी, हाउ मच प्योर मिल्क इन लीटर्स टू बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड? ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? सम सेम करो पहले। मैं अगर करूँ सम सेम तो गड़बड़ हो जाएगी ज़्यादा ही। मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। 90% मिल्क होगा तो यहाँ पे एक आएगा ना, 7 ऐड करना है, ठीक है। और कितने पे ऐड करना है? 3 पे इंटू वी, 7 में 3 V। और 18वां क्या है ये पता नहीं, 20वां करता है। मोन इन्वेस्टेड इज टोटल सेविंग्स इन ए एंड बी इन द रेशो दिस, ईच ऑफ द ईच फॉर, ठीक है, इतना टाइम के लिए। ए ऑफर्ड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड 9 मंथली एंड बी ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अगर ए उसे ऑफर कर रहा है तो 20% पर एनम पे है 9 मंथली है, ठीक है। द स्कीम्स मेच्योरिटी हाउ मनी डिड, टाइम कितना है टोटल? अच्छा, 1.5 साल के लिए। ओके, 1.5 साल के लिए है अगर, और ये 9 मंथली है, तो 1.5 साल में कितने मंथ होते हैं? 21, सॉरी 12 से 18, तो यहाँ पे 2 साल के लिए जाएगा 10%, ठीक है। सीआई कितना निकल जाएगा यहाँ पे 2 साल के लिए? 10% 100 से 121। और इन्वेस्टमेंट कितनी करी है उसने ए में? 400 मान, 400 500 मान लिया उसको, 400। अगर इसकी वैल्यू 400 है, 100 की वैल्यू,
तो 41,484 यहाँ से इंटरेस्ट आ गया उस पर। ठीक है, ऐसे ही उसमें हमने 500 वाले पे निकाला SI 1.5 साल में, कितने परसेंट रेट पे? 20%, 1/5, 5 × 10, 50 से 150 यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमसे क्या बोले, इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ दिस, 234 सही तो होना चाहिए, अब देखते हैं, 126, 900.5, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन बी, 500 की वैल्यू बतानी है, अगर ये है तो किससे जाएगा ये 234, किससे से जाएगा ये, 9 से जा रहा है, 9 एकम 9 दुनी 18, 9 6 54, 13 से भी जाना चाहिए, 9 एकम 9, 9 6 36, 9 एकम 9, 9 5 45, सही तो है ना मेरा, 9 5 45 और 9 एकम 9, 9 6 36, 9 एकम 9 3 12, ठीक है, 13 दुनी 26, 13 एकम 13, 13 8 104, 13 5 65, ठीक है, 2 की वैल्यू ये है तो 75 से मल्टीप्लाई कर देना है बस इसे, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, 500 की वैल्यू बतानी है ना, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 250, ठीक है, 0 तो हटा ही दो, 25 से कर दो, 25 5 गड़बड़ हुई है कुछ, 25 5 125, 25 8 212, 212 और 25 25 और 227, 125 कुछ आ रहा है, हाउ मच डिड इन्वेस्ट इन बी, 500 की वैल्यू तो चाहिए हमें, अगर 2 की वैल्यू है, मेरे को तो डी ऑप्शन लग रहा है, दोबारा से चेक कर लूँगा इसे अभी, 25 से डिवाइड है ना वो, 25 से, हाँ 25 तो सारे ही है वैसे, कितने क्वेश्चन गलत होंगे इसमें, 3 और 2 5 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 5 45, 25 75, 9 की पावर अगर मैं करूं 1/2 इंटू में 5 की पावर 1, नहीं 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 75 की पावर 1, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर मैं ये करूं तो 25 75 आ गया सब, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1/2 है, 2 इंटू में 1/2 इंटू में वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 अपॉन में वाई कितना है हमारे पास, 2 प्लस में के एक्स के जेड कहाँ है अब, अच्छा के एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू जेड है हमारे पास 1, ठीक है, तो 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू, तो 0 0 कैसे हो सकता है, चार तुक्का मार दूं क्या, कुछ गड़बड़ करिए क्या, मैंने 2x y 2 x इज इक्वल टू 10, ठीक है, y इज इक्वल टू 10, 2 आएगा ऊपर नीचे, तो y प्लस में k इंटू एक्स k/2, 4 प्लस k और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, k इज इक्वल टू 4 अगर है, के की पावर 1 में के पूछिए, अगर 2 की पावर 1/2 तो √2 हो सकता है, होना होगा तो मैक्सिमम, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, लेट एक्स बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, 2 × 4 4 × 16, 2 × 4 = 16, फैक्टर ऑफ दिस कैसे निकालूं मैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 रख दूँ मैं यहाँ पे, अगर 1782 5808 है ना, ये इज अ फैक्टर ऑफ दिस, 4 और 2 6 हो सकती है, 3 और 2 6 और 2 8 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वाई की वैल्यू तो 3 आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 मान लो, 3 × 6 = 7 तो है नहीं, 3 × 6 और 2 8 तुक्का मार देते हैं, तुक्के भाई चल रही है यहाँ पे सारी कहानी, ये वाला तो सही कर लूँ मैं कम से कम, एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ से, x² + y² 13 + 11 इज इक्वल टू, हाँ 13 - 11 इज इक्वल टू 4xy, तो xy कितना आ गया यहाँ से,
टू ओपन ओवर वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर करो 13, ठीक है, 13 माइनस 2 XY इजिकल टू, सॉरी यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 XY इजिकल टू 13, ठीक है, ये निकालना है। 2 XY की वैल्यू कितना जाएगी 1, इसकी वैल्यू जाएगी 12, 6 ही आंसर आएगा। तीन क्वेश्चन गड़बड़े हैं अभी, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। डी इजिकल टू 6, और ये कितना था हमारे पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल और इट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये फिजिकल टू टू, इसका काम क्या है हमारे पास, 6 और 2 8, ये आर है, समझ नहीं आ रहा मुझे, तुक्का ही मारा है इसमें, इसमें भी तुक्का, सिर दर्द हो गया मेरा। ये वाला हो सकता था सोल, यहाँ पे कैलकुलेशन में चेक करी है मैंने, ठीक है, एक्सपेंच करना, कॉइल करना, सब प्रेस कर देना होता है शायद, प्लासिड करना ही होगा, शांत करना है इसको शायद, और मैंने गंट्स एक्ने एंड एंग्स, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी हो सकता है, एक्ने और एंग्स एक साथ कैसे हो सकता है, एक्ने कौन सी, ठीक है, जितने भी आए देखते हैं, फिर से इंग्लिश में गड़बड़ कर दी मैंने। ओके, मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत हुआ है ना मेरा, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब दो तुक्के ठीक हो गए मेरे जो मैंने मारे थे, और एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर भी मैं इसकी मैथ्स भी अच्छी थी काफ़ी, और इंग्लिश में स्टिल 5 क्वेश्चन गलत हैं, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन कौन से गलत करें, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं कोई भी, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, 4 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत कर दिए मैंने, सॉल्यूशन देख सकते हैं इसमें, तो अभी देख लेते हैं, फ्रेंड इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन, ये भी गड़बड़ करी है मैंने, FRAMED, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ADE FMR सीरीज बिटवीन द लेटर्स विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू, इसमें न्यू, दोनों में न्यू पूछेगा, 13 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 और 2 8 था इसका आंसर, तो गड़बड़ कर दिया मैंने, और ये गड़बड़ करी है मैंने, 5 और 1 और 5 6 और 5 11 5 16, नहीं एक्चुअली 4 है ये, 25 और 15 और 6 21 और 5 सॉरी 21 4, और समझ नहीं आ रहा मुझे, EYU OK/A देख लेता हूँ यार फटाफट, इतना टाइम नहीं है बस, 6 6 बोलो -6 -4 -6 -4 था सिंपली, इतनी सिली में चेक कैसे कर सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, मैं दोबारा नहीं करवाई इसे अभी, ये वाला देख लेता हूँ, स्टील ओल्डर मेटल्स पर स्टील इज एन एल ऑफ आर्बन एंड सॉरी कार्बन एंड आयरन, ठीक है, 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक है इसमें, तीनों क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे मेरे, स्टिल इंग्लिश में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर इज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव लार्ज नंबर हैव अप्लाइड, ओके, अप्लाइड सिंपल पास्ट लेफ्टिनेंट LIE होता है, LIEUT, एक्सपंज इंसर्ट सही लगा रखा था मैंने, एक्सपंज टू रिमूव बाद में गड़बड़ कर दी, मैनी गैंड्स एंग्स्ट कंपोजर भी सही लगा रखा था बाद में गलत कर दी, कंपोजर कामनेस, हाँ मैं यही सोचा था कंपोजर, और ये दो क्वेश्चन फालतू में चेंज करे, 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वेस्ट कर दिया,
मैथ्स में कि तुक्का 2% का ठीक है, तो इक्वल टू दिस दिस फॉर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स इज सेट इज 4। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने उस और उसका क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हो। वैसे मेंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये मेरे को याद आ गया कैसे करना। ये तुक्का मार दिया था मैंने 24 पे। वी गोट डी ओ इज ये 90 डिग्री है, हाँ ठीक है, तो ये आर और आर हो गया, सी डी ई और ओ डी ई, सी डी ई और ये वाला सी डी ई और ओ डी ई, सी डी ई और ओ डी तो एक ही है, ओ ई डी और डी सी एफ क्या बताना, गैस सिमिलर फ्रॉम ई ओ डी एंड सी डी एफ, ई ओ डी और सी डी एफ ठीक है, ये सिमिलर है, 6/2r ये 6 है, छः अपॉन में 2r इज इक्वल टू आर बाई 8, समझ नहीं आ रहा मुझे, स्किप कर दो यार बेकार क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 19, एक ये क्वेश्चन रह गया था ना, ये वाला मैंने सही करा था 9 मंथ्स। अच्छा 9 मंथ्स के लिए मैंने रेट 10% कर दिया था, इसलिए गलत हो गया वो क्वेश्चन, मैंने मेथड एकदम सही लगाया था, रेट 15% होगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि 20% पर एनएम है, 12 मंथ्स में 20% है, तो 9 मंथ्स में हमसे पूछा था 9 मंथली, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20, 4 3 12, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 5 15, 15% रेट आएगा, तो 3/20 से 23, 400 से 529, ठीक है, 400 से 529, तो ये 400 था यहाँ पे, ये 500 बना था मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था, 400 की वैल्यू 400 है, तो इसके सी आई कितना आ गया, 129, यहाँ से सी आई निकल गया, एस आई कितना निकाला था मैंने, 150 शायद निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा, 100, 100 और 100 मतलब कितना आ जाएगा, 200, 279, 279 की वैल्यू ये दी हुई है हमें, तो 150, 500 की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। अच्छा पेपर था ये, मार्क्स इसमें कम क्यों है, 3 क्वेश्चन रीजनिंग में, तो मतलब रीजनिंग में 47.5 होने चाहिए, 7.5 नंबर कम हो गए वहाँ पे, यहाँ पे भी कम है, 3 क्वेश्चन से लिमिट 2 क्वेश्चन एटलीस्ट, और मैथ्स में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुक्के में ठीक हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल स्कोर एवरेज स्कोर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्टिल इसकी मैथ्स अच्छी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।